गाइस फीफोर का साथ रेस लग गया। फीफोर को ना चुटकी से हारेंगे, चुटकी से ऐसे पिकअप दूंगा, आते जाएगा समझा। गाइस इधर का रोड ना बहुत अच्छा है, रोड में चलाना ना बाइक बहुत अच्छा लग रहा है, एडवेंचर पूरा एकदम देख सकते हो गाइस। ओ भाई रोड का भाई अलग, भाई एक अलग व्यू। हेलो गाइज, आई एम सुमो, वेलकम बैक टू माई चैनल बाइकर वॉइस, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। तो कैसे हो मेरे व्यूअर्स, फैमिली, कमेंट में जरूर बताना। तो थंबनेल और टाइटल देखे आप लोग समझ ही गए होंगे आज कहाँ पर जाने वाले हो। आज जाने वाले हो बिहारनाथ पहाड़, जो बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक फेमस पहाड़ है। तो वहाँ पर जाएंगे हम लोग, शायद कितना लोग जाएंगे अभी तक तो पता नहीं, बट मेरा साथ जाने वाले विजय, जो जिसका पास R15 V4 है, तो आप लोगों को V4 भी देखने मिलेगा इस वीडियो में, ठीक है। पूरा एकदम रेड ब्यूटी है वो, और मेरा बाइक तो ड्यूकी एकदम बीस्ट है इनिशियल में, तो दोनों बाइक को आप लोग देखने मिलेगा और एक अच्छा सा राइड होगा शायद ये। तो आप लोग वीडियो पूरा देखना, थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप लोग दोस्त के साथ वीडियो शेयर कर देना। और मुझे आप लोग इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, बाइकर बॉय शुभम इंस्टाग्राम का नेम है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरा इंस्टाग्राम का। तो चलो मिलते हैं एकदम डायरेक्ट मोटर बुकिंग सेटअप में। तो गाइस निकलते घर से, चलो। और विजय भी शायद आ गया उधर। वो विजय आ रहे हैं। तो गाइस आ गया साहिबगंज मोड़, अभी यहाँ से हाईवे पकड़ना है और सीधा एकदम जाने का है बिहारनाथ हिल। और विजय को तो आप लोग पहचानते हो, जो सुसुनिया का ब्लॉग में गया था विजय V4 के लेके। पास है रेड ब्यूटी V4। गाइस ये जीप देखो एक बार, ओ भाई साहब। तो गाइस आ गया विजय भाई, देख ही सकते हो रेड ब्यूटी को। गाइस यहाँ पर से पेट्रोल रिफिल कर लेते हैं। उधर कोई है क्या? नहीं, इधर ही जाना पड़ेगा। तो चलो यहाँ से गाइस पेट्रोल रिफिल कर लेते हैं, फिर जाएंगे सीधा बिहारनाथ पहाड़ का तरफ। और आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ भाई, रेड ब्यूटी हम लोगों का। और इधर देख सकते हो नंबर प्लेट का क्या हो के रखा है, नंबर प्लेट बैंड नंबर प्लेट देख सकते हो ना, नंबर प्लेट पूरा छूट गया है एकदम। और हम लोगों का रेड ब्यूटी विजय भाई। तो गाइस पेट्रोल वगैरह रिफिल हो गया, और देख सकते हो सामने से थार आ रहे हैं। मैं ड्रीम कार है थार, यह है मेजियम मोड़। मेजियम मोड़ से ले लेंगे दाएं तरफ। जाते जाते शायद शाम हो जाएगा। विजय तो पीछे आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं पीछे। देख सकते हो गाइस ये रोड एक बार चेक करो, कितना खूबसूरत लग रहा है रोड का। साइड में दो साइड में गाछ लगा है, देख सर विजय वगैरह, विजय पूरा टांग के निकल गया। ढूंढ लाए
भीकोर का साथ रेस लग गया, भीकोर को ना चुटकी से हारेंगे, चुटकी से ऐसे पिकअप दूंगा, ऐसे जाएगा, समझा भाई, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। गजब बेइज्जती है। सारी मासूम सी खुशियां। तो गाइस आ चुके पाबड़ा मोड़, और पाबड़ा मोड़ से भी बिहाइनाथ जाने का एक रास्ता है, बट हम लोग सीधा सालथोड़ा से जाएंगे, सालथोड़ा से एक रास्ता है उधर से जाएंगे, इधर भी एक रास्ता चला जाता है बिहाइनाथ का तरफ, बस सीधा जाएंगे हम लोग। दूर दूर ना पहाड़ वगैरह दिखाई दे रहा है, देख सकते हो भाई कितना खूबसूरत लग रहा है, भाई कितना खूबसूरत लग रहा है भाई साहब। इस ट्रक का पीछे नहीं जाएंगे, पूरा बाली वगैरह गिर रहा है इस ट्रक के पीछे, ओवरटेक करना पड़ेगा जल्दी से। अभी सालथोड़ा एंट्री कर रहा है, सालथोड़ा से कुछ देर आगे जाके दाएं तरफ घूमना पड़ेगा, तो ये है सालथोड़ा बाजार। और यहाँ से दाएं तरफ जाना पड़ेगा कुछ देर आगे जाके। Few minutes later. तो गाइस अब कुछ इस तरह के जगह में रुके हैं, आप देख सकते हो विजय भाई और गाड़ी वगैरह उधर खड़ा है, कुछ भाई लोग इधर फोटो वगैरह खींच रहे हैं इधर, और देख सकते हो प्लेस देखो एकदम भाई बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा रुके हैं इधर, और थोड़ा आगे जा रखे हैं, बाद ही बिहाइनाथ पड़ेगा। कितना किलोमीटर बोला? 4-5-10 मिनट लग गया, ये बाइक का कलर 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट का रोड है, और इधर कुछ भाई लोग वगैरह मिल गया, तो चलो चलते हैं। गाइस एक बार रोड चेक करो, देख सकते हो रोड का आसपास ना पूरा गाछ और गाछ है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। गाइस इधर का रोड ना बहुत अच्छा है, रोड में चलाना है ना बाइक बहुत अच्छा लग रहा है, एडवेंचर पूरा एकदम। चलो आ गया बिहाइनाथ। तो गाइस आ गया बिहाइनाथ, और मेरा साथ आज वही विजय भाई आया है, आप देख सकते हो बैग का हालत देखो मेरा एक बार क्या हो चुका है, क्यों ना बैग का हालत कैसे हुआ पता है, देख सकते हो मेरा टेल आईडी ना पूरा मार्ट गार्ड वगैरह सब खुला है एकदम, और देखो बैन टेल आईडी मैं इंस्टॉल करा, आप लोग इसका वीडियो ऑलरेडी देख ही लिया शायद, तो इसलिए पूरा एकदम कादा कादा हो गया पीछे, एकदम कीचड़ वगैरह उड़ गया पूरा। तो यही विजय भाई बोल रहा है वो भी उसका V4 में लगाएगा, वो लगाने का हम है। तो भी करना है, अब पिलर में जो बैठेगा तो वो तो हाँ तो समझ ही सकते, पिलियन में जो बैठेगा वो समझेगा, क्या बात है बोल, सही बात। चलो मंदिर का अंदर जाते हैं फिर देखते हैं। चलो तो गाइस आ चुके हैं बिहाइनाथ पहाड़, और पहाड़ का पास ही है बिहाइनाथ मंदिर, यहाँ पर प्रणाम वगैरह करेंगे, फिर थोड़ा सा आप लोगों को सिनेमैटिक शॉट दूंगा, सिनेमैटिक शॉट आप लोग एंजॉय करना।
गाइस अभी थोड़ा सा चाय वगैरह पियेंगे इधर से ही। अरे चाय वगैरह पियेंगे, चाय वगैरह पियेंगे क्या? तो गाइस चाय वगैरह पियेंगे, थोड़ा सा चाय मिलेगा क्या इधर? चाय मिलेगा? दो चाय दीजिए, चाय वगैरह पी लेते हैं, फिर बात हो रहा है आप लोगों से। पवित्र भाई भी आया है हम लोगों से मिलने के लिए, और अभी निकल रहे, शाम हो गया बहुत, ठीक है, घर जाने में लेट भी हो जाएगा, तो चलो निकलते एकदम, मिलते हैं मोटर ब्लॉगिंग सेटअप में। तो चलो गाइस निकलते हैं बियानस से। अबे इधर इधर, तो गाइस देख सकते हो रोड कितना खराब है अभी, और विजय ना आगे आगे जा रहा है और मैं उसका पीछे ही जा रहा हूँ। गाइस आ गया साहिबगंज मोड़ में, और तो विजय इधर से चल जाएंगे घर एकदम, और मैं भी जाएंगे घर एकदम, तो चलो घर।